हाथ जोड़ करके जब हम बोलते हैं वो बहुत खुश होता है। परमेश्वर का वचन ये कहता है एक पापी मन फिराने से स्वर्ग स्वर्ग में क्या होता है? आनंद होता है। एक पापी मन फिराने से स्वर्ग आनंद होता है। सोचिए कितना अरब अरब करोड़ों लोग हैं, लेकिन परमेश्वर ने एक आदमी मन फिराए छोड़ ले, एक आदमी के ऊपर भी वो काफी ख्याल रखता है ताकि वो नाश ना हो। इस महाभारत में पढ़ते हैं एक व्यक्ति के पास 100 बेड थे और वो बहुत खुश था, हर एक भेड़ से वो प्यार करता था, लेकिन अचानक एक भेड़ अपने झुंड से वो भटक जाता है। चरवाहा है ये बोलता है देखो तुम अपने झुंड को छोड़ के कहीं भटकना नहीं बाबू, ध्यान से रहना, झुंड के साथ रहना। लेकिन वो भेड़ भटक जाता है झुंड से, चरवा के देखता अरे मेरा भेड़ कहाँ गया, गिन के देख रहा है भेड़ भेड़ गायब है। वो नहीं सोचा मेरे पास इनाम पे भेड़ है काफी है कोई बात नहीं है, लेकिन भेड़ की खोज जाता वो भेड़ कहीं जंगल में कहीं बीच में फंस गया, उसका पैर फंस गया। अरे मैं तो गलत कर दिया अपने जीवन में, मुझे चरवाहा का बात मानना चाहिए था, मैं बहुत बड़ा गलती कर दिया करके कुछ सोच रहा है। अचानक एक आवाज आ रहा है बहुत डर के साथ वो है, उसमें घात कर रहा है क्योंकि वहां पे वो सच्चा था, वहां है वो कोई जंगली जानवर नहीं था, मारने के लिए नहीं परंतु उसको बचाने के लिए उसके चरवाहा आया हुआ था। जाके उसको पूछा बहुत खुश चरवाहा, बहुत खुश था, ओ मेरा पेट मिल गया, मेरा एक पेट जो खोया हुआ था मिल गया, और वो सबको बता रहा है, सबको बता रहा मेरा पेट मिल गया, वहां आनंद। एक पापी व्यक्ति मन फिराने से स्वर्ग में कितना आनंद है। आप सोचते होंगे मैं तो पाप किया हूं, मैं बार बार निर्णय लेता हूं लेकिन मैं गिर जाता हूं, क्या मुझे उद्धार मिलेगा, क्या मुझे क्षमा मिलेगा? लेकिन आपको यह समझना चाहिए यह आवश्यकता है, परमेश्वर आपसे इतना प्यार करता है कि जब कभी आप उसके चरणों में जाके हे प्रभु मुझे क्षमा कर दे करके जब आप बोलेंगे परमेश्वर आपको क्षमा करेगा और सबके सारे पापों को वो मिटा देता है। क्यों मालूम है? वो हमारे क्रिया के द्वारा नहीं परंतु यीशु के लहू के द्वारा, उसका एक लौता पुत्र के लहू के द्वारा उसने हमारे कर्ज को अपने ऊपर उठाने के चलते आज भी जब हम जाके क्षमा मांगते हैं वो यीशु जो बलिदान को हमारे लिए किया उस बलिदान के द्वारा हमें क्षमा मिलता है। क्योंकि यीशु ने एक साधारण बलिदान नहीं दिया और परमेश्वर ने एक साधारण काम तो नहीं किया, लेकिन आपने एक लौता पुत्र को हमारे लिए दिया, इतना बड़ा त्याग किया और यीशु ने भी अपना आखिरी बूंद लहू तक हमारे लिए इसलिए बहाया ताकि हमें क्षमा मिले, ताकि हम परमेश्वर के पास जा सके हिम्मत के साथ, हे प्रभु जरूर मैं पापी हूं, जरूर मैं गलत किया, लेकिन मेरे बदले यीशु ने जो खून को बहाया उस खून के चलते मुझे ग्रहण कर, मुझे क्षमा कर, तब परमेश्वर हमें क्षमा करता है। क्या मेरे बात को आप समझ रहे? उसके चलते हमें क्षमा मिलता है। लेकिन कई बार शैतान हमारे काम में डालता है, तो पापी है पापी, कितना बार पाप करेगा, कितना बार मीटिंग जाएगा, कितना बार कन्वेंशन जाएगा, अरे तुम पवित्र नहीं बन सकता, तुम नरक ही नरक जाएगा। लेकिन उनकी बातों को आप कान नहीं लगाना, क्योंकि हम इस वीडियो में देखेंगे कैसे यीशु हमारे लिए